हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शहनाज कौर गिल के बारे में। शहनाज का जन्म 27 जनवरी 1993 को ब्यास अमृतसर में हुआ था। उनका होम टाउन चंडीगढ़ में है। उनके घर में उनके माता पिता, भाई, दादा दादी हैं। उनकी मम्मी का नाम परमिंदर कौर है, उनके फादर का नाम संतोष सिंह चोखी गिल है और उनके ब्रदर का नाम सहबाज है। शहनाज ने अपने स्कूल की पढ़ाई डल हाउजी हिल टॉप स्कूल से कंप्लीट की और कॉलेज की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से, जहाँ से उन्होंने बीकॉम किया है। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी और कॉलेज के टाइम वो क्लास बंक करके कॉफ़ी शॉप में बैठी रहती थी। शहनाज ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में एज ए मॉडल की थी। उन्होंने काफ़ी सारे मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। शहनाज ने ऐसे तो कई सारे म्यूजिक एल्बम किए, लेकिन 2016 में माझे दी जट्टी सॉन्ग से उन्हें लाइमलाइट मिली। शहनाज ने कई सारे फिल्म भी किए हैं, जैसे डेब्यूट फिल्म उनकी काला शाह काला थी, जिसमें सरगुन मेहता भी नजर आई। 2017 में सात श्री अकाल इंग्लैंड, 2019 में धक्का, 2021 में हौसला रख, जहां से उन्हें बहुत ही अच्छी पहचान मिली और उसके बाद वो BB13 में आई। बिग बॉस 13 वो जीत तो नहीं पाई, वो सेकेंड आई थी, लेकिन लोगों के दिल में शहनाज गिल छा गई। लोगों को शहनाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी। उसके बाद शहनाज गिल सलमान खान के साथ किसी के भाई किसी की जान मूवी में नजर आई और 2023 में वो अब थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में नजर आने वाली है, जो 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहनाज गिल ने अपना 12 केजी वेट कम किया था। शहनाज ऐसे तो एक सिंगर है और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत सारे म्यूजिक एल्बम में काम भी किया है, जैसे 2015 में BDS कर दी, मर कर गई, जे हाँ नी करनी, फिर 2017 में प्यार ढोलना, मेरे सनम, 2018 में अखी बंदी, न्यूज़पेपर, 2019 में ब्याह, ओपन हेड, 2020 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भुला दूंगी, कुर्ता पैजामा, सोना सोना, तो सॉन्ग टोनी कक्कर ने गाए हैं। उसके बाद 2021 में फ्लाई, जो बादशाह के साथ था, और 2023 में यार का सताया हुआ है, जो काफ़ी हिट रही। शहनाज ने अपने वॉइस में घनी सियानी सॉन्ग गाया है, जो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। शहनाज जब 2019 में बिग बॉस आई थी, उसी समय उनकी रिलेशन की खबरें सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आ रही थी। वो दोनों रिलेशन में थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की डेट 2 सितंबर 2021 में हो गई। शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी लोगों के दिल में आज तक छाई हुई है और शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को हैशटैग सिडनाज मिला था। वो दोनों 2 साल रिलेशन में रहे। तो आइए शहनाज के अवार्ड के बारे में बात करते हैं। शहनाज को सुपर स्टाइलिस्ट, चार्मिंग डिवा, मोस्ट स्टाइलिस्ट ट्रायल ब्लेजर के लिए अवार्ड मिला है। शहनाज गिल का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम शहनाज गिल है। वो एक शो करती है देसी वाइब्स विद शहनाज, में नए नए एक्टर्स यूट्यूबर्स आते हैं। आपको शहनाज कैसी लगती है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और किस पर स्टोरी चाहिए ये भी बताएं। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।